हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर देखिए, पुलाव बनाने की तैयारी हो रही है और ये मैं आपको पहले दिखा रही हूँ। पुलाव इस तरीके से बनाया है मैंने, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कटोरा चावल भिगा दिया है, बीन्स, आलू, गाजर और फ्लावर मैंने कट कर लिए हैं। यहाँ पर रख लिया है गरम मसाला अखा वाला, और ये मसाला टमाटर के साथ भिगा के रख लिया है। धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और मिर्ची तो यहाँ पर रख दूंगी मैं। कुकर कुकर में थोड़ा सा पानी था इसलिए मैंने पहले ही रख दिया था। पानी सूख चुका है, इसमें डाल देंगे देसी घी प्योर वाला, और इसमें थोड़ा सा देसी घी के साथ मैं ऑयल भी ऐड करूँगी क्योंकि वो एकदम कुकर में चिपक जाता है अगर घी भी डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है हींग और जीरा, और उसके बाद खड़े मसाले डालते हैं, तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, जो भी रहता है गरम मसाला अखा वाला वो डाल दिया है। और उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर चावल अपने। चावल ऐड करने के बाद चावल को अच्छे से भून लूँगी मैं इस तरीके से। चावल को अच्छे से भून लेना है। मैं इस तरीके से बनाती हूँ पुलाव, आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताना, मेरे साथ शेयर करना। और ऐसे बनाओगे ना मेरी इस जो रेसिपी, वो भी आप ट्राई करना। तो ये मसाले जो मैंने भिगा के रखे थे कटोरी में, वो भी डाल दिए हैं। टमाटर और अदरक के साथ भिगाया था, अदरक और टमाटर का पेस्ट बनाया था, उसमें मसाला भिगा दिया था मैंने। तो उसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चावल मेरा भुन चुका है, उसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं ये मसाला। और मसाले को भी अच्छे से भूनने के बाद इसमें ऐड करूँगी मैं ये जो मेरी सब्जी है उसको। सब्जी को भी अच्छे से भून लूँगी, सब कुछ भून लेना है पहले ही। और सबसे पहले मैंने चावल भुना है क्योंकि चावल ऐसे भूनेंगे ना तो तभी खिला खिला सा हमारा पुलाव बनता है, वरना चिपचिपा बन जाता है। तो वैसे खाना बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है, खाना तो सभी लोग कोई किसी तरीके से बनाता है किसी तरीके से, लेकिन अलग अलग तरीका होता है और टेस्ट भी अलग अलग होता है कि नहीं? अब घर में भी तुम वही मसाला डालो मतलब, लेकिन टेस्ट अलग आता है। मैं बनाती हूँ ना अलग टेस्ट आता है, मेरी मम्मी बनाती है ना अलग टेस्ट आता है, ऐसा होता है हमेशा, क्योंकि कम ज़्यादा का कुछ हिसाब रहता है और अलग तरीका भी होता है। तो यहाँ पर ना मैं गरम मसाला डाल दूँगी, और गरम मसाला यहाँ पर मेरा ख़त्म हो चुका है। वैसे मेरे पास दूसरा पैकेट है लेकिन इसमें थोड़ा था तो यही मैं ऐड कर दूँगी इसमें गरम मसाला। इसमें ना पुलाव में गरम मसाला बहुत अच्छा लगता है, ये बादशाह का गरम मसाला है और मेरा फेवरेट है बादशाह का गरम मसाला। सबसे अच्छा टेस्ट मुझे बादशाह का गरम मसाले में ही लगता है, इसलिए मैं हमेशा यही लेके आती हूँ। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी मैंने 2 कटोरा चावल लिया है तो मैं 3 कटोरा पानी डालूंगी, कम पानी डालूंगी वरना फिर वो खिचड़ी हो जाएगा। इसको पुलाव बनाना ना एकदम खिला खिला सा, तो इसको ऐड कर देंगे। टमाटर वाले बर्तन में ही वो किया था मैंने, और फिर लगा देंगे इसमें ढक्कन। ढक्कन अभी नहीं लगाएंगे, पहले क्या करेंगे उबाल आने देंगे इसको अच्छे से। जब ये उबाल आता है ना, 1-2 उबाल आता है ना, उसके बाद ढक्कन लगाएंगे, फिर देखेंगे हमारा पुलाव कितना अच्छा सा बनता है, आपको दिखाती हूँ मैं, ठीक है? देखिए गाइस, हमारा पुलाव हो गया है रेडी, मैंने निकाल दिया है प्लेट में, और कितना अच्छा ये खिला खिला सा बना है, आप देख लीजिए। ये देखिए बहुत टेस्टी बनता है ऐसे पुलाव, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ओके, तो सुबह मैं मार्केट गई थी, वहाँ से लाई थी कुछ वेजिटेबल, कुछ सब्जियाँ लेके आई थी। तो यहाँ पर वही पालक साफ कर रही हूँ मैं, रात को बनाऊँगी पालक की सब्जी। तो ये शाम का टाइम है, लगभग 7 बजे का, तो मैंने कहा पहले सब्जी साफ कर लेती हूँ फिर आराम से बना लूँगी। पालक की सब्जी बनाई थी मैंने आलू और टमाटर डाल के, रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, अगर नेक्स्ट टाइम करूँगी, क्योंकि एक ही रेसिपी बस होगी ना, क्योंकि फिर वापस से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोगों से ज़रूरी बात करनी है, इसलिए आप मेरा वीडियो प्लीज़ पूरा देखना गाइज। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत हेल्प की ज़रूरत है आप लोगों की, तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि
और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे सब्सक्राइबर इतने कम हो गए, मैंने आपसे बोला है आगे मेरी बातों को सुनिए प्लीज़। और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है यार, इतना दुख हो रहा है मुझे, मैं क्या बताऊँ क्या होएगा पता नहीं। मेरे चैनल को बनाए हुए इतना टाइम हो गया, बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है। ग्रो करना तो छोड़ो, और भी मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं बहुत कम होते जा रहे हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज ना मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होएगा, और मैं थोड़ा सा आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, और बस आप लोगों से बात करूँगी। मुझे आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, मतलब मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है कि यार मेरे ना आज मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। पता है आज मेरा क्या हुआ? आज मेरा पता नहीं आप वाइटी ने काटे या लोगों ने मुझे अन किया, 40 सब्सक्राइबर मेरे, 40 लोगों ने मुझे अन कर दिया, अनसब्सक्राइब कर दिया 40 लोगों ने। मतलब एक दिन में 40 लोग कम हो गए, और ऐसे तो मेरे 1K से भी कम हो जाएंगे यार अगर ऐसा रहा तो। क्यों आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर रहे हो? तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार, ऐसा मत करो। आपके सब्सक्राइबर करने से एक पैसा भी आपका नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप पहले सब किया था मुझे, मेरे बड़े थे तो मुझे कितना खुशी हुआ था, चलो थोड़ा बहुत भी जितना भी बड़े थे, लेकिन अभी ऐसे मतलब अचानक से मेरे 40 सब्सक्राइबर कम हो गया, और अभी भी मैं देख रही हूँ ना एक दो कम होते जा रहे हैं। मतलब क्या है अब समझ भी नहीं आ रहा, बहुत गंदा लग रहा है बहुत। आज तो मुझे इतना बुरा लग रहा था ना, सच्ची में क्या बताऊँ। और आज का दिन सच्ची में बहुत बेकार है। मैं मार्केट गई थी सुबह, इतनी बारिश हो रही थी, मार्केट गए थे हम लोग, और सब्जियाँ पूछो मत, मतलब भाव इतने आसमान हुए हैं, कैसे क्या हो रहा है मतलब दुनिया में, पब्लिक तो भूखी मर जाएगी यार सच्ची में। और एक तो लॉकडाउन से क्या है कि इनकम, मतलब जो पैसा कमाना हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं हो रहा, जीरो हो रहा है, जीरो कुछ भी नहीं हो रहा है, इनकम कुछ नहीं हो रहा। और खर्चा खर्चा तो अपना रोज का है ही ना, जितना है, जितना पहले था उतना ही आज भी है, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है हमारे जैसे लोगों को, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनकी प्राइवेट जॉब थी या कोई काम था, बिजनेस था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को। और देखिए इस टाइम पे हर कुछ महंगा हो गया, नेट देख लो आप, नेट जो जो 500 का था वो 600 हो गया, जो 600 का था वो 700 हो गया, मतलब 100 रुपया 200 रुपया हर चीज़ बढ़ गया है। सबका बजट तो गड़बड़ा ही गया है ना, सब लोग अपना बजट बना के रखते हैं, क्योंकि हम लोग जो है कि हमारा फिक्स रहता है कि इतनी सैलरी आनी है या इतना कमाना है, और उसी में हमको खर्च करना है, उसी में हमको बचत करनी है, उसी में हमको सब कुछ करना है, तो वही करके तो अभी ऐसे में कैसे चलेगा। अब सब्जी देख लो, अब 80 रुपया किलो सब्जी हो रही है। अब मैं सब्जी उसको पूछा कि लौकी कैसे दिया, वो बोलता है किलो के हिसाब से 80 रुपया किलो। मेरा सुबह से इतना दिमाग खराब हुआ ना आज, मैंने कहा इससे अच्छा तो नमक के साथ रोटी खा लो यार, 80 रुपया किलो लौकी कोई खाएगा क्या? आप लोग बताओ जरा। टमाटर 60 रुपया किलो, सब कुछ इतना महंगा हो रहा है। आलू महंगा हो रहा है 40 रुपया किलो, 35 रुपया किलो, 40 रुपया किलो, ऐसा आलू हो रहा है। मतलब सब कुछ इतनी महंगाई हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है दुनिया में। एक तो ये बीमारी और ऊपर से इतनी महंगाई, क्या होएगा पता नहीं। और ना ये वाइटी ने तो मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। और हाँ गाइस, मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहती हूँ, जो बहुत सारे लोग मुझे फिट वाले जो वीडियो होते हैं वो बनाने के लिए बोलते हैं ना, लेकिन जब भी मैं फिट वाले वीडियो बनाऊँगी, हाँ बनाओ अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो बनाऊँगी, लेकिन ना मैं उसका टाइटल, उसकी थंबनेल, और टाइटल और थंबनेल जो है वो फिट इंडियन आउटफिट या फिट फुट स्क्रब ऐसा नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर मैं वो वीडियो बनाती हूँ और उसमें फिट का कोई भी मैं टाइटल या थंबनेल लगाती हूँ, तो मेरा वीडियो ना एज का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है उसमें, और बहुत सारे लोगों का ओपन नहीं होता है, तो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। मतलब वो जो एज का प्रॉब्लम आ रहा है वो कम्युनिटी, उससे मुझे मेरा WTB उसमें कोई काउंट नहीं होगा, और ना ही अगर मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तो ना ही उसमें ऐड लगूंगी, तो फ़ायदा नहीं है ना मुझे, कुछ भी फ़ायदा नहीं है मुझे, ठीक है, तो मैं वो नहीं लगाऊंगी। हाँ अगर मैं बनाऊंगी तो मतलब खाली ऐसा ही टाइटल, ऐसा सिंपल सा डालूंगी, फिट तो बिल्कुल नहीं लिखूंगी, क्योंकि जब भी मैंने 4-3 वीडियो में ऐसा फिट करके लिखा ना, तो तीनों वीडियो मेरा एज का वो आया, और उससे पता नहीं क्या हो रहा, पता नहीं उससे मेरा क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और कल मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी किसी को नहीं गई थी शायद,
क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के उसमें चेक किया था, और उन्नति है ना इंडियन ब्लॉगर, तो उनसे भी मैंने पूछा था, तो उन्होंने भी मुझे बताया था कि नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब जो भी हो रहा है। और गाइस प्लीज़ यार सपोर्ट करें और मुझे अन ना करें, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ यार, बहुत दुख हो रहा है यार सच्ची में आज। और वीडियो बहुत लंबा हो गया, देखो फिर भी मेरे 5 मिनट लग गए। तो गाइस मैं अभी रखती हूँ मतलब वीडियो का एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।